Myself Khushi from Batch 21 and I am here to present my topic, that is biceps femoris. Biceps femoris, it is a muscle of the posterior compartment of the thigh and it lies posterolaterally. It is also a part of the, it forms the superior lateral aspect of the popliteal fossa, जो कि हमारा एक diamond shaped depression होता है knee joint के just पीछे में. It is a part of the hamstring group of muscle, जिसमें हमारे semitendinosus, semimembranosus और हमारा erectomagnus भी आता है. इसकी बात करें तो इसके पास दो heads होते हैं हमारे, long head और short head. तो अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका जो लॉन्ग हेड होता है हमारा, वो ओरिजिन लेता है हमारा इन्फीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एशियल ट्यूबरोसिटी से, और इसका जो शॉर्ट हेड होता है वो ओरिजिन लेता है हमारे लेटरल लिप ऑफ द लीनिया स्पेरा से. अगर बात करें इसकी इंसर्शन की, तो हमारे दोनों ही, इसमें जो हमारे लॉन्ग हेड है और शॉर्ट हेड है, दोनों इंसर्शन लेते हैं हमारे हेड ऑफ द फिबुला पे. उसकी जो ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारे एरेक्टोमैग्नस को पियर्स करके पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करते हैं. तो क्या हो गया हमारा ब्लड सप्लाई, इसका सम परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ दी डी फिमोरल आर्टरी. इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसके नर्व सप्लाई मेनली जो होती है हमारे वो सियाटिक नर्व से होती है. इसमें इसका टीबियल पार्ट और पेरोनियल पार्ट दोनों होता है, तो इसके मेनली जो नर्व सप्लाई है हमारे वो सियाटिक नर्व से होती है, टीबियल पार्ट से. और अगर इसके एक्शंस की बात करें तो इसका एक्शन जो होता है हमारे, क्योंकि हमारे जो हैमस्ट्रिंग का मसल जो होते हैं वो हिप का एक्सटेंशन करता है, पर ये जो हमारा मसल है ये वीक एक्सटेंशन ऑफ हिप में हेल्प करता है, और ये हमारा लेटरल रोटेशन ऑफ लेग में भी हेल्प करता है. थैंक यू.